हेलो गर्ल्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक पार्टी मेकअप बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप ये मेकअप रहेगा सो दैट जितने भी सारे बिगिनर्स हैं वो आराम से मेकअप करना सीख सकें। सबसे पहले स्किन प्रिपरेशन के लिए मैंने यहाँ पे निविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर हुडा ब्यूटी का HD प्राइमर यूज़ किया हुआ है सो दैट मैं अपने पोर्स को क्लॉक कर सकूँ और फाउंडेशन अच्छे से सेट हो सके। फाउंडेशन लगाने से पहले हमें चाहे एलोवेरा जेल या फिर प्राइमर ज़रूर लगाना होता है, वरना हमारा फाउंडेशन है जो काफ़ी केकी केकी सा वो गंदा सा लुक देता है। फिर यहाँ पे मैंने फाउंडेशन ये लगा लिया है। फाउंडेशन मैंने यहाँ पे लैक्मे का यूज़ किया है। उसके बाद आपको इसे इस ब्रश से सेट करना है। आज मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए जैसे एक छोटा सा बच्चा भी पेंटिंग जैसे नहीं करता फेस पे, उस तरीके से आप अगर आप ये ब्रश यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ईजिली आप फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं। बहुत सारी गर्ल्स में ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो फाउंडेशन ब्लेंड नहीं कर पाती हैं ढंग से। तो अगर आप ब्लेंडर कुछ लेना चाह रहे हैं तो आप ये ब्रश लीजिए, आप खुद ही देखते जाइए। देखिए मैं बस कैसे, अगर एक बच्चे को भी ब्रश पकड़ा दोगे ना बेटा इसे सेट करना है, तो वो आराम से इस ब्रश के थ्रू आपका जो भी फाउंडेशन है आराम से सेट कर देगा। और गले पे आपको फाउंडेशन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, वरना फेस डिफरेंट हो जाएगा आपके नेक से। सो आप देख सकते हो कि कितना ईजिली फाउंडेशन ब्लेंड हो गया इस ब्रश से। ये वाला ब्रश बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। फिर यहाँ पे मैंने NYB का ये कंसीलर यूज़ किया हुआ है। इससे मैं अपने डार्क एरिया को हाइड करूँगी, जहाँ भी आपको लगता है कि थोड़ा डार्क एरिया है। जैसे कुछ लोगों के लिप्स के पास पिगमेंटेशन होते हैं, और जो भी आपका डार्कर एरिया वहाँ पर आप कंसीलर अप्लाई कर लीजिए। सो मैंने अपने डार्क एरिया पे कंसीलर लगा के फिर अगेन मैं इसी ब्रश से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ ये ब्रश होता है, आपको अराउंड 200 के आसपास मिल जाएगा ये मार्केट में या फिर ऑनलाइन। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अपने आईज पे जो मैंने कंसीलर यूज़ किया हुआ है उसे एक फ्लैट स्मॉल ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी। एंड देखिए अगर आपको आई शेडो का अच्छा कलर चाहिए तो अपने आईलिड पे कंसीलर एक दो लेयर ज़रूर लगा लिया करिए। एंड इसके बाद आपको कॉम्पैक्ट से अपना या फिर आपका जो लूज़ पाउडर है उससे अपने मेकअप को अपने फाउंडेशन को सेट कर लेना है। देखिए इससे क्या होता है, अगर आप लूज़ पाउडर से अपना मेकअप सेट कर लेते हो ना तो फिर आपका मेकअप मतलब बाहर नहीं आता, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत प्रोडक्ट चपोड़ के रखा हुआ है अपने फेस पे। सो दैट आपको किसी भी लूज़ पाउडर से या फिर कॉम्पैक्ट से अपना मेकअप अपना फाउंडेशन एक बार ज़रूर सेट कर लेना चाहिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ये जो जेल लाइनर है इससे अपनी ब्राउज़ को फिल करूँगी। आप कुछ भी लेकर, चाहे आपके पास आईब्रो पेंसिल हो या फिर आप आई शेडो के पैलेट से भी अपनी ब्राउज फिल कर सकते हो। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको आई बटन में मैं दे दूंगी। आप अपना आई शेडो जो है उसकी फिलिंग आई शेडो के पैलेट से भी कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे जेल लाइनर ले रही हूँ क्योंकि ये एवर लास्टिंग होता है, ये थोड़ा सा देर तक टिकता है और ये वाटरप्रूफ भी होता है। फिलहाल मैंने यहाँ पर कर लिया है ये। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे आई शेडो लगाने वाली हूँ। देखिए आई शेडो मैं दो शेड में लगाऊंगी, ब्लैक एंड गोल्डन मिक्स। सो मैं अपने आउटर एरिया में थोड़ा सा विंग्स क्रिएट कर रही हूँ आई शेडो से। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे गोल्डन के साथ इसे मिक्स करूँगी। ये देखिए इस तरीके से आई शेडो बहुत ही ज़्यादा हल्का मैं यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आई शेडो पसंद नहीं है। मैं यहाँ पे ब्लैक ड्रेस पहनने वाली हूँ इसलिए मैंने ब्लैक और गोल्डन मिक्स करके ये लगाया हुआ है। एंड इसके बाद अगर देखिए, अगर आप कोई भी शिमर शेड यूज़ कर रहे हो ना तो उसे आप फिंगर से ही लगा लो ऐसे टिप टिप या फिर डैब डैब करके, तो बहुत ज़्यादा ईजिली वो लग जाता है। अब आप देख सकते हैं मेरा आई शेडो कम्प्लीट हो गया। फिर यहाँ पे मैंने ये हुडा ब्यूटी का वाटर प्रूफ आई लाइनर यूज़ किया है क्योंकि ये थोड़ा सा आपको क्या होता है थोड़ा शाइनी शाइनी सा, या आप बोलिए ये मैट लुक नहीं देता है, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है नाइट में। डे पे नहीं, नाइट पे आप ये आई लाइनर यूज़ करिए। ये देखिए थोड़ा सा इसमें शाइनिंग रहती है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मस्कारा। ये बहुत ही ज़्यादा इजी टू अप्लाई होता है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, मुझे अच्छा लगता है। हाँ ये वाटर प्रूफ नहीं है बट ठीक है, आपके आई लैशेस को अच्छा लुक देता है। फिर यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। अगर आप लिपस्टिक लगा रहे हैं, अगर आपसे मैट लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती तो प्लीज़ उसके पहले कोई मॉइस्चराइज़र या फिर कोई लिप बाम लगा लीजिए, तो लिपस्टिक आपकी थोड़ा अच्छी या फिर ढंग से लग जाती है, उसका अच्छा लुक आता है। एंड देन अब हम करेंगे कॉन्टूरिंग। कॉन्टूरिंग मिस हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, और मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत ही इजीली कॉन्टूरिंग कर सकते हैं आई शेडो पैलेट से ही। फिलहाल मैंने यहाँ पे कोई भी स्टिक नहीं यूज़ करा है। सो इस तरीके से आपको एक अपने कलर से दो तीन शेड डार्क कलर का कोई भी कलर चुन लेना है अपने आई शेडो पैलेट से। देन उसे अपने यहाँ पे देखिए ईयर और अपने जो चीक बोन्स होता है और चीन के जस्ट सेंटर वाले पार्ट पर अप्लाई करना है कॉन्टूअर इस तरीके से। देखिए कॉन्टूरिंग करने के बाद फेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो इसलिए कॉन्टूरिंग बिल्कुल ना मिस करें। ये देखिए मैंने दोनों साइड कॉन्टूरिंग कर ली है। चीक्स पे हम यहाँ करते हैं, देन हम अपने नीचे जो कि डबल चिन वाली प्रॉब्लम होती है उसे हाइड करने के लिए हम अपने चिन एरिया पे कॉन्टूअर अप्लाई करते हैं। फिर कुछ लोग जिनका फोरहेड काफ़ी लंबा होता है या उन्हें लगता है बहुत चौड़ा लग रहा है तो वहाँ पर वो लोग कॉन्टूअर अप्लाई कर लेते हैं तो ठीक रहता है। फिर अब हम अपनी नोज़ को शार्पिन या फिर काफ़ी ज़्यादा शेपअप दिखाने के लिए यहाँ पर अपनी नोज़ पर अप्लाई करेंगे कॉन्टूअर। कॉन्टूअर बहुत ही ज़्यादा इजी होता है बट बहुत सारे लोग इसको मिस कर देते हैं, जिससे कि साफ साफ पता चलता है कि आपने बहुत सारा मेकअप यूज़ किया हुआ है, आपका फेस नेचुरल लगने लगता है, इसलिए कॉन्टूअर ज़रूर लगाया करिए। फिर मैंने यहाँ पे ये वेला वॉस्टे का हाइलाइटर स्टिक है,
इससे मैं अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ। अगर आपके पास ये हाईलाइटर स्टिक नहीं है देन डोंट वरी, आप अपने आई शेडो पैलेट से कोई भी ग्रे या फिर वाइट कलर का, ग्रे नहीं सॉरी, आप सिल्वर कलर का या फिर वाइट कलर का, इस तरीके से आप हाथ से फिंगर से ही ऐसे टिप टिप करके आप यूज़ कर लीजिए। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक वो भी देता है। और मेरे पास तो स्टिक था, फिलहाल मैंने स्टिक यूज़ किया है। और मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ कि आप हाईलाइटर से भी यूज़ कर सकते हैं कोई सिमिली शेड जो कि वाइट या फिर थोड़ा सा सिल्वर में हो। एंड देन यहाँ पे लिप्स के ऊपर मैं थोड़ा सा अप्लाई कर ले रही हूँ ताकि स्माइल देने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा आपका फेस लगे। देन चिन एरिया पे आपको अप्लाई कर लेना, उसके बाद आपको अपनी ब्राउज के जस्ट नीचे हल्का सा लगा लेना। ये कुछ हाइलाइटर वाले एरियाज होते हैं जहाँ पे हमें हाइलाइटर ज़रूर लगा लेना होता है। एंड यहाँ पे ईयरिंग्स डाल के मैंने अपने मेकअप लुक को कर लिया है कम्प्लीट। एंड मेरे हेयर्स को बिल्कुल आप लोग जज मत कीजिएगा क्योंकि मैंने हेयर स्टाइल वाला वीडियो इसमें नहीं ऐड किया, वरना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाता। सिंपली मेकअप का लुक था यहाँ पे। एंड मेरा ये मेकअप कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू वॉचिंग फर्स्ट टाइम। मैं यहाँ पर आपको मेकअप, हेयर स्टाइलिंग एंड रेमेडीज़ से रिलेटेड वीडियो बताती हूँ। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज।